नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुरेश यादव, जयपुर राजस्थान से। हमारे फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई फसल लेकर आए हैं, जो एक दलहनी फसल है। हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, तो आओ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस फसल को कितने दिन में तैयार किया जाता है और इससे क्या क्या प्रॉफिट होता है, इसको कम दूरी में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। आज हम लेकर आए हैं मोट की खेती। जो मोट एक दलहनी फसल है जो हमने सब्जियों में काम में आती है, तो हमारे YouTube चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आओ हम आज को आपको विस्तृत रूप से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वर्षाकालीन या जो ग्रीष्मकालीन मौसम होता है उसके अंदर इस फसल को लगाया जाता है। ये फसल एक खरीफ की फसल होती है। इसकी फसल को कम जुताई की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, साथ ही दलहनी फसलों में जो चना अरहर होता है उसके बाद में अपना मूंग और मोट को भी स्थान दिया गया है, एक अहम स्थान रखता है। ये पशुओं के लिए एक हरे चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है और इसकी एक हरी खाद भी बनती है। मोट भूमि पर फैलता चलता है, जो एक भूमि को बिल्कुल कवर कर लेता है, ढक लेता है, और इस पर बहुत सारे फूल आते हैं और फिर इसमें फली बनना स्टार्ट होती है। इसकी फलियों को अलग अलग तरीके से हम यूज़ में लेते हैं। जैसे अगर बिल्कुल हरी है, हरी फली होती है, उसको हम तोड़कर कच्ची फली भी खाते हैं और उसको सब्जी में भी काट के बनाने में काम आती है। जब इसकी जो फल है वो पूरी तरह से पक जाता है, जैसे पक जाएगा इसका फली, तो वह बिल्कुल पीले कलर का या ब्लैक कलर का हो जाता है। हम उसको तोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं। ये एक ऐसी फसल है, अगर हम थोड़ा सा क्षेत्र में लगाएंगे, अगर 15-20 कैरी में लगाएंगे, तो हम इसमें 2-3 क्विंटल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद में इसमें प्रोटीन चलती रहती है। इसके दानों का उपयोग सब्ज़ी में किया जाता है। इसकी फलियाँ हरे रंग की होती है और पकने पर यह पीले और काले रंग की हो जाती है। इसका जो हरी फली होती है उसका उपयोग हम सब्ज़ी में करते हैं। ये पौधा मात्र 2 से 2.5 महीने की तैयार हो जाता है आराम से। यह इसकी एक फली का जो आकार होता है वो 10 से 15 बीज होते हैं उसमें, और कम से कम ये 5 से 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यह एक मौसम के अंदर जो ग्रीष्म मौसम में की जाने वाली फसल है, जिसको किसान बहुत ही कम देखरेख में तैयार कर सकता है और अपनी सब्जी सुचारू रूप से प्राप्त कर सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस फसल से हम कम समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। क्योंकि यह अगर 15-20 केरी भी अगर हम घर पर लगाते हैं, अगर ज़्यादा दूरी नहीं है, तो इससे हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे ही इसकी जो फलियां है वो तैयार होती है, उनको हम तोड़ के इकट्ठा कर लेंगे और उसमें सूखने के बाद भी उनके दानों को इकट्ठा किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।